हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल आस्थाना कुकिंग ब्लॉग। और आज हम अपने ब्लॉग में बनाने जा रहे हैं दही चिकन। तो फ्रेंड्स, ये हमने लिया है 1 किलो चिकन, और ये हमने 4 बड़ी प्याज़ें जो है इस तरह से कट कर ली हैं। ये हमने कढ़ाई में इतना 1 कटोरी तेल गरम कर लिया है। अब इसमें हम प्याज को फ्राई करेंगे थोड़ा हल्का सुनहरा। ये लिया है हमने 500 ग्राम दही। ये लेंगे हम, इसमें लेंगे हम लाल मिर्च पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लेंगे थोड़ा सा। ये लेंगे हम गरम मसाला पाउडर, ये लेंगे काली मिर्च पाउडर, ये धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर और नमक। तो जितनी जितनी क्वांटिटी में हम लेंगे वो आपको हम अभी बता देंगे। बस फिलहाल ये बता रहे हैं कि ये चीज़ें इसमें पड़नी है। और तड़के के लिए पड़ना है इसमें ये तेजपात पत्ता लिया है हमने, 1 चम्मच लिया है ज़ीरा, और ये लिए हमने काली मिर्च, लौंगे, बड़ी इलायची, बादियान का फूल, सफ़ेद इलायची और कसूरी मेथी और दालचीनी के टुकड़े, और ये 1 टुकड़ा लिया जावित्री का। ये हम 2 नींबू लिया है, इसका रस निकाल लेंगे। मैं लिए हरी मिर्चें, हरा धनिया, क्या है अदरक लहसुन का पेस्ट। सब हम करेंगे अपने चिकन को मैरिनेट, जब तक कि हमारी प्याज हो रही है ब्राउन। फ्रेंड्स, ये करने जा रहे हैं हम अपने चिकन को मैरिनेट। तो देखिए, हमारा जो दही है वो हम इसमें डाल रहे हैं। इसमें डालेंगे, हमने डाला है 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर 1 ही चम्मच डालेंगे, और ये काली मिर्च पाउडर 1 चम्मच, नमक डालेंगे 1 चम्मच। तो हम आपको अपनी चम्मच का साइज भी बता देते हैं। देखिए, ये डाला है हमने 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये देखिए हमारी चम्मच का साइज, और ये हम डाल रहे हैं कटी हुई अपनी हरी मिर्चें। हमने 4 से 5 हरी मिर्चें कट कर ली थी। ये अदरक लहसुन का पेस्ट हमने लिया है 2 चम्मच। डाल रहे हैं हम धनिया कटा हुआ। फ्रेंड्स, ये नींबू का रस निचोड़ के हम इसमें डाल रहे हैं। 1 नींबू का रस डालना है हमें, वो आप, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। आप चाहे तो डाल भी सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं। तो ये देखें, इस तरह से इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेना है, और इसको आधे घंटे के लिए ढक के रख देना है। आपकी मर्जी है, ढक के आप आधे घंटे के लिए रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते, हैंड टू हैंड भी बना सकते हैं। तो हम इसको आधे घंटे के लिए रखेंगे मैरिनेट करके। ये देखें फ्रेंड्स, ये हमारी प्याज होने लगी है हल्की हल्की ब्राउन। तो अब हमें इसी से इस स्टेज पे निकाल के और जो है हम पीस लेंगे दरदरा सा। फ्रेंड्स, ये देखें, ये हमने अपने, अब चिकन जो है हमें डालना है इसके अंदर, फ्राई करना है। तो फ्राई के लिए हमने डाला है 1 चम्मच जीरा, ये डालेंगे हम कसूरी मेथी, तेजपात के पत्ते और बाकी के जो हमारे खड़े मसाले थे, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था हमारे घर पर कोई भी नहीं खाता साबुत खड़े मसाले, तो वो हमने इस तरह से ये देखें पीस लिए हैं मिक्सर में। देखें, चिकन डाल देंगे हम कढ़ाई में। देखें फ्रेंड्स, ये अम्मी जो है इसको थोड़ा सा पहले फ्राई करेंगी चिकन को, फिर उसके बाद डालेंगी इसके अंदर ये वाला जो मैरिनेशन का मसाला बचा हुआ है वो। ये देखें फ्रेंड्स, हमारा चिकन फ्राई हो चुका है। अब हम मैरिनेशन वाला मसाला इसके अंदर डाल रहे हैं, और ये मसाला डालने के बाद इसको मतलब चलाते रहना है जब तक कि इसमें उबाल नहीं आता, तो तब तक, क्योंकि इसमें दही ज़्यादा है तो ये इसका मसाला फटने का जो है डर रहता है। तो इसको इस तरह से देखें, जैसे अम्मी चला रही हैं वैसे चलाते रहना है आपको। ये देखें, जब तक कि इसमें उबाल नहीं आ जाता, इसको इसी तरह से चमचे से चलाते रहना है। ये देखें, ये प्याज का पेस्ट बना लिया जो हमने फ्राई की थी। अब हम इसे डालेंगे चिकन के अंदर, क्योंकि हमारे चिकन में आ गया है उबाल। तो ये देखें, हमने अपने चिकन में उबाल आने के बाद ऐड कर लिया है ये प्याज का पेस्ट। हम इसको पकने देंगे। ये देखिए, ये हमारा चिकन जो है भुनने लगा है। अब हम इसमें डाल रहे हैं हमारे जो मसाले, हम खड़े मसाले हमने पीसे थे वो सारे, तो हमने इसमें डाल दिए। देखिए, डालते ही इसमें बहुत बेहतरीन सी खुशबू निकलनी शुरू हो गई है। और ये देखें, हमारा जो चिकन है वो ऑयल भी छोड़ने लगा है। ये देखें फ्रेंड्स, कितना अच्छा हो रहा है। और अभी देखें, ये तेल भी छोड़ने लगा है हमारा चिकन, लेकिन अभी हम इसे और भुनेंगे थोड़ा सा। ये देखें, ये हमारा जो है दही चिकन बनकर रेडी हो गया है। बिल्कुल इजी सिंपल सी रेसिपी और झटपट तैयार होने वाली।
तो आपको अगर हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ हमें लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स भी करके बताएं कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।